डांस करती रहो। ठीक है, हमें चलना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आप लोगों ने हॉररलैंड चैनल पर ह्यूमन सेंटीपीड, अ सर्बियन फिल्म और रॉ जैसी कई सारी डिस्टर्बिंग मूवीज जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी हो तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन इन सभी मूवीज से हटके मैं आज आपके लिए एक ऐसी डिस्टर्बिंग स्लैशर मूवी लेकर आया हूँ जो कि मेरी अब तक की देखी हुई सबसे घिनौनी मूवी है। इस मूवी का नाम है ट्रोमा और एक स्पेनिश मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट और लिखा गया है लूसी रोजर्स के द्वारा। ये मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि जब इसे जर्मनी में रिलीज़ किया गया था तो वहाँ के सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के 12 मिनट के पार्ट को काट दिया था। दोस्तों, आपको मैं वीडियो के एंड में इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी बस एक फिक्शन मूवी है, लेकिन असल में दोस्तों ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या सच में लोग इतने घिनौने होते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग और मेरी पर्सनल फेवरेट हो। तो सिर्फ इसीलिए मैं आपके लिए इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के बीच में अपने टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इस पूरी मूवी को देख सकते हैं। तो भाई, ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम स्क्रीन पर लिखा हुआ देखते हैं कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब 1978 चिली देश को दिखाया गया था, जहाँ पर बैकग्राउंड में एक गनशॉट के साथ में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, और हम देखते हैं कि एक औरत को बहुत ही टॉर्चर किया गया है और उसके पति को अभी गनशॉट से मार दिया गया है। अब वो औरत बहुत ही ज्यादा घायल थी और उस औरत को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था, और साथ ही कई औरतों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी, मतलब कि उन्हें भी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। दोस्तों, अब मैं मूवी से हटके आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1977 से पहले चिली एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, जैसे कि आज के दिन में रशिया और चाइना दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है। उस समय अगस्टो जो कि आर्मी के जनरल थे, वो कम्युनिस्ट लोगों को चिली से उखाड़ फेंकना चाहता था, और इसीलिए वो कम्युनिस्ट लोगों को जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे और उनकी फैमिली को टॉर्चर कर रहा था। खैर, मूवी में वापस आते हैं, हम देखते हैं कि एक आदमी जिसे इस मूवी में एजेंट कहा गया है, वो वहाँ पर आता है और इस लेडी को कम्युनिस्ट कहता है और उसे गंदी गंदी गालियाँ देता है। अब यहाँ पर इस लेडी के बेटे जुआन को लाया जाता है, और ये लेडी अपने बेटे को शांत रहने को बोल रही थी, लेकिन तभी एजेंट उसे एक इंजेक्शन लगाने वाला था, और ये लेडी जुआन को कह रही थी कि वो कुछ न करे। एजेंट जुआन को इंजेक्शन लगा देता है और फिर जुआन के चेहरे पर एक चाकू से कट मारता है, और अब इसके बाद में ये लोग उससे सबसे ज्यादा घिनौना काम करवाते हैं। एजेंट और उसके आदमी जुआन के पेंट को खोल देते हैं और उसे जबरदस्ती उस औरत यानी कि जुआन की माँ का रेप करवा रहे थे। फिर एजेंट उस लेडी से कहता है कि वो उसकी बेटी का भी रेप करने वाला है, और ये कहकर वो उस लेडी के सर में गोली मार देता है। वो लेडी भी मारी जाती है और उसके खून के छींटे जुआन पर आ गए थे, लेकिन जुआन अभी भी उसका रेप कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वे सोल्जर जुआन को छोड़ देते हैं, लेकिन अब जुआन खुद ही अपनी माँ का रेप कर रहा था जो कि अब मर चुकी थी, और इसी भयानक सीन के साथ में इस मूवी का इंट्रो सीन खत्म होता है। अब अगले सीन में हम ये 2011 का चिली देश देखते हैं, जहाँ पर एक अपार्टमेंट के एक रूम में कैमिलिया और जूलिया नाम की दो लड़की साथ में रहा करती थी। दोनों लड़कियां लेस्बियंस थी और इसीलिए दोनों रोमांस करते करते इंटीमेट भी हो रही थी। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि अपने अंडरगारमेंट में सो रहा था, और उसे सपना आता है कि वो अपनी माँ के साथ में है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जुआनी था जो कि बड़ा हो चुका था। अब हम यहाँ पर एंड्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कैमिलिया की बहन थी। वो अपने सपने में कैमिलिया को अपने हाथ में एक चिड़िया को लिए देखती है। एंड्रिया फिर अपनी नींद से जागती है और कैमिलिया को कॉल करती है। कैमिलिया बिना कपड़ों के जूलिया के साथ में सो रही थी। फिर उठते हैं और दोनों रेडी होते हैं। उनके घर पर एंड्रिया अपनी एक कजिन मागदा के साथ में आई हुई थी, और ये सभी लोग एंड्रिया की कार में बैठकर उनके अंकल के घर पर शहर से दूर जा रहे थे। फिर अगले सीन में हम एक बड़ा सा वेयर हाउस देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कुछ मांस के टुकड़ों के ऊपर एसिड डालकर उसे गला देता है, और ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग था। हम अब फिर से इन चारों लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने रास्ते को एंजॉय कर रही थी। एंड्रिया अपने अंकल के घर जा रही थी, लेकिन उसे उनका एड्रेस नहीं पता था, तो वो एक बार पर रुककर वहाँ का रास्ता पूछने लगती है। ये बार काफी ज्यादा अजीब था और यहाँ के लोग भी बहुत अजीब थे। एंड्रिया अंदर जाकर एड्रेस पूछती है, तभी पीछे से एक आदमी उठकर उन चारों लड़कियों को परेशान करने लगता है। वो कहता है कि लड़कियों को यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तभी एक और आदमी वहाँ पर खड़ा होता है और उसे देखकर सभी लोग थोड़े डर जाते हैं, और कोई भी उन लड़कियों को परेशान नहीं करता है। एंड्रिया फिर बार के ओनर से एड्रेस पूछकर बाहर चली जाती है।
फिर बाहर आने पर मागदा एक छोटी सी बच्ची योया से बातें करती है जो कि इस बार के ओनर की बेटी थी। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं कि ये जगह लड़कियों के लिए नहीं है, यहाँ के लोग दूसरे शहर की लड़कियों को देखने के आदि नहीं है। पुलिस ऑफिसर पेड्रो उनसे कहता है कि इस टाउन में बस ये दोनों ही पुलिस वाले हैं और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें कॉल कर सकती हैं। और पेड्रो एंड्रिया के हाथ पर अपना नंबर लिख देता है। दरअसल एंड्रिया अपने अंकल गस्तावो के घर पर जा रही थी जो कि बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहता था। फिर सभी गस्तावो के घर में पहुंच जाते हैं और ये घर बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर हम जुआन को देखते हैं जो कि अब अपना खाना खा रहा था, साथ ही पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। फिर जुआन उठकर उस लड़की के पास में जाता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है और जब जुआन वापस आता है तो उसके पास में एक मांस का टुकड़ा था जो वो खाने वाला था, मतलब कि इस मांस के टुकड़े को वो उस लड़की के शरीर से नोच के लाया था। सीन अगेन कट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ एंजॉय कर रही थी और एंड्रिया सभी के फोन को लेकर साइड में रख देती है। इधर जुआन अपने चेहरे के निशान को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। जब वो छोटा था उसे एजेंट ने अपने पास में रख लिया था और वो उसे एक बहुत ही बुरा आदमी बनाना चाहता था। जुआन एजेंट के कहने पर एक छोटे से बच्चे का अपनी उंगलियों से रेप करता है और ये सीन भी बहुत ही डिस्टर्बिंग था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं यूं ही इस मूवी को इतनी डिस्टर्बिंग नहीं बता रहा हूँ। अब प्रेजेंट में हम मारियो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जुआन का बेटा था और उसने भी किसी औरत को पकड़कर उसे उसके बच्चे से दूर कर दिया था। अब वो औरत उस बच्चे को मांग रही थी लेकिन उसे नहीं देता है और उसे जोर जोर से चिल्लाता है और गुस्से में आकर वो उस औरत को भी जान से मार डालता है। इधर चारों लड़कियां बातें कर रही थी और यहाँ पर एंड्रिया को पता चलता है कि उसकी बहन कैमिलिया और जूलिया रिलेशनशिप में है जो कि एंड्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कैमिलिया इस बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर जुआन एक औरत के पास में जाता है और उसके लॉकेट को टच करता है। वो उसे कहता है कि उनकी मॉम को जुआन के ऊपर गर्व होगा जिस तरह से उसने उसे अभी तक रखा है। और दोस्तों शॉकिंग बात ये थी कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि जुआन की छोटी बहन कार्मेन थी और मारियो जुआन और कार्मेन का बेटा था। फिर अब रात में एंड्रिया और सभी लड़कियां ड्रिंक करके मस्ती कर रही थी और मागदा और जूलिया डांस कर रही थी। जूलिया मागदा के नजदीक आ रही थी तभी अचानक से वहां की लाइट जल जाती है। फिर उसे ठीक करने के लिए मागदा और जूलिया जाते हैं। जब वे दोनों लाइट को ऑन कर रहे थे तो हम देखते हैं कि जूलिया मागदा पर लाइन मार रही थी और वे दोनों आपस में किस भी करते हैं, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि एंड्रिया सब कुछ दूर से देख रही थी। सीन कट होता है और इधर मारियो अपनी माँ यानी कि कार्मेन के पास में था। वो एक कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था और कुत्ते की तरह भौंक भी रहा था। फिर वो जुआन के पास में जाकर उसके साथ भी गंदी हरकत करता है और वो उसे प्लेजर भी देता है। एंड्रिया के घर पर हम देखते हैं कि चारों लड़कियां ड्रिंक करके एंजॉय कर रही थी, जूलिया डांस कर रही थी और मागदा के सामने कैमिलिया को किस कर रही थी ताकि मागदा उसे जिलस हो। और जूलिया की ऐसी हरकतों को देखकर एंड्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जूलिया मागदा के गाल पर एक हार्ट का टैटू बना देती है और डांस करते करते वो पहले तो अपना टॉप उतारती है फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी पूरी नेकेड कर लेती है। इधर हम ये भी देखते हैं कि जुआन को मारियो प्लेजर दे रहा था लेकिन जुआन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो उसे अपने से दूर कर देता है। फिर जुआन अपने हाथ में एक चाकू लेता है और कहीं के लिए निकल जाता है। इधर एंड्रिया के घर में जूलिया अभी भी टॉपलेस डांस कर रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सामने जुआन खड़ा होकर उसे देख रहा है और उसे देखकर जूलिया डर जाती है। जुआन जोर जोर से वहां का दरवाजा खटखटाता है जिससे जूलिया तुरंत अपने कपड़े पहन लेती है और सभी लोग वहां पर अब डर रहे थे, लेकिन चुपके से मागदा अपना फोन छुपा देती है। तभी जुआन एक पेपर गेट के नीचे से पास करके सभी को वेलकम कहता है और जुआन खुद ही वहां का दरवाजा खोलकर मारियो के साथ में अंदर आता है। एंड्रिया जुआन को पहचान जाती है और जुआन वही आदमी था जिसने बार में उन सभी लोगों को उन आदमियों से बचाया था। जुआन फिर अंदर आकर सोफे पर बैठता है और अपनी गन दिखाकर जूलिया से फिर से डांस करने को कह देता है। वो उसकी बातें नहीं मानती है तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देता है। फिर वो मागदा को अपने पास में बैठाता है और जूलिया को कपड़े उतारने को कह देता है। जूलिया डर के मारे ठीक वैसा ही करती है जैसा कि जुआन उसे कहता है और जुआन मागदा के प्राइवेट पार्ट को भी टच कर रहा था और उसे गंदी तरीके से वो किस भी करता है। जुआन फिर कैमिलिया के पास में आता है लेकिन एंड्रिया उससे दूर रहने को कहती है और जुआन एंड्रिया को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। जूलिया अब अपना टॉप उतारकर डांस कर रही थी और जुआन कैमिलिया और जूलिया को हैरेस कर रहा था। वो कैमिलिया को टेबल पर लेटाता है और उसके कपड़े उतार देता है। मारियो मैगदा के कपड़े उतारता है और दोनों कैमिलिया और मैगदा का बहुत ही बुरी तरीके से रेप करते हैं। मारियो मैगदा के गाल पर इतनी जोर से काटता है
कि जहाँ पर उसके टैटू बना हुआ था वो स्किन भी वहाँ से उखड़ जाती है और वो उसे काट कर थूक देता है। सभी लड़कियाँ चिल्ला रही थी लेकिन दोनों नहीं रुकते हैं, वो बस उनका रेप करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, मारियो मागदा की कटी हुई स्किन पर नमक डाल देता है जिससे कि मागदा को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द में चिल्ला भी रही थी। एंड्रे अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर जुआन एंड्रे के पास में आता है और उसे कहता है कि वो कल उसके साथ में ये सब कुछ करेगा। और अब उन सबका रेप करने के बाद में जुआन अपने ही बेटे मारियो को भी किस करता है। एंड्रे के अंकल का घर टाउन से बहुत ही दूरी पर था तो किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार इस घर में क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को जुआन और मारियो ने चारों लड़कियों को बांध दिया है और सभी बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में थी। जुआन फिर से कैमिला के पास में आता है और तभी मैगदा उसके ऊपर थूक देती है, लेकिन जुआन पर इसका कोई भी असर नहीं होता है बल्कि वो जमीन पर पड़े थूक को अपने हाथों से उठाकर चाट लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घिनौना सीन था। फिर वो अपनी गन को टेबल पर रखकर मैगदा को कहता है कि वो उसे मारना चाहे तो मार सकती है। फिर जैसे तैसे अभी भयानक रात खत्म होती है और सुबह मैगदा की जब नींद खुलती है तो वो अपने हाथों को धीरे से खोल लेती है। उसकी बॉडी पर अभी भी कपड़े नहीं थे। फिर वो जैसे तैसे उठती है और हम देखते हैं कि मैगदा बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी। वो टेबल से जुआन की गन उठाती है और उसके ऊपर पॉइंट करके उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि गन में बुलेट नहीं थी। जुआन और मारियो अभी भी सो रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैगदा धीरे से चाबियां और अपना फोन उठाती है। वो दरवाजा खोलकर वहां से बाहर जाने वाली थी लेकिन वो मिरर में अपनी हालत और अपने चेहरे को देखती है। मैगदा फिर मिरर में देखकर गन के ट्रिगर को दबाती है लेकिन गन खाली थी। फिर वो अपने मुंह में गन का बैरल रखकर शूट करती है लेकिन उससे पहले जुआन उसे पीछे से शूट करके उसे मार डालता है। जुआन अब एंड्रे के पास में आता है और उसे गन से धमकाता है। वो फिर मारियो को अपने साथ में लेता है और वहां से निकल जाता है। फिर इधर एंड्रिया, जूलिया और कैमिलिया जैसे तैसे अपने हाथों को खोलती है और जब वे बाहर जाकर देखती है तो देखते हैं कि मैगदा का चेहरा बुलेट की वजह से पूरी तरीके से चिथड़ा चिथड़ा हो गया है और मैगदा के चेहरे के अंदर का मांस सब कुछ बाहर आ गया था। अब एंड्रिया पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला लेती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखते हैं कि रास्ते में जुआन और मारियो निकल रहे थे लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके एंड्रिया के घर पर पहुंच जाते हैं। वे लोग वहां पर उनकी हालत देखते हैं और ऑफिसर पेड्रो अपने साथी ऑफिसर से पूछता है कि वे दोनों कौन थे, जिस पर वो पेड्रो को जुआन और मारियो के नाम बताता है। लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसका ऐसा कहना था कि वो बाहर के लोगों को नहीं मारता है। अब वो ये भी कहता है कि इन लड़कियों को अपने शहर जाने देना चाहिए और वहाँ की पुलिस इनके मैटर को देखेगी, लेकिन पेड्रो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था। अब इधर हम देखते हैं कि योया अपने बॉल से खेल रही थी और उसके पास में जुआन आता है। फिर पेड्रो चारों लड़कियों को अपनी पुलिस कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, तभी सामने से एक आदमी जोर जाता है और उसे बताता है कि जुआन उसकी बच्ची योया को अपने साथ में बार में लेकर गया है। पेड्रो जॉर्ज को अपने साथ में लेता है और जॉर्ज के बेटे को भी अपने साथ में लेता है। अब वो उन दोनों को गन देता है ताकि वे सभी मिलकर जुआन को मार पाए और इसके बाद में सभी बार के अंदर एक एक करके जाने लगते हैं। बार में जुआन बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो कहता है कि अगर उसे मार दिया गया तो योया कहाँ पर है उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर उसे हथकड़ी लगाने आता है। लेकिन जैसे ही वो जुआन के नजदीक आता है तो जुआन अचानक से उसके मुंह में एक चाकू को आर पार कर देता है जिससे कि वो पुलिस ऑफिसर बुरी तरीके से मर जाता है। सभी लोग गोलियां चलाते हैं लेकिन जुआन उनसे बचकर उनके ऊपर चाकू फेंककर उन्हें घायल कर देता है। फिर वो जॉर्ज के पास में आता है और उसके गर्दन को बड़ी बेरहमी से काटकर उसे उसके धड़ से अलग कर देता है। फिर जुआन अब जॉर्ज के बेटे के पास में आता है और वो उसके हाथ को अपने बड़े से चाकू से काट काट कर अलग कर देता है। पेड्रो जैसे तैसे उठकर जुआन के ऊपर गोलियां चलाने वाला था लेकिन उससे पहले ही मारियो की गोली उसके कंधे पर लगती है और वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर बाहर चारों लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि जुआन मर चुका होगा, लेकिन वो देखती है कि बाहर से जुआन अपने हाथ में जॉर्ज का कटा हुआ सर लेकर बाहर आ रहा है और जॉर्ज के कटे हुए सर को वो कार के डैशबोर्ड पर रख देता है। फिर वो योया को अपने कंधे पर उठाकर अपने साथ में ले जाता है। सभी लड़के डरी हुई थी, वो जैसे तैसे बाहर में जाती है जहाँ पर पेड्रो अभी भी जिंदा था। एंड्रिया उसका फर्स्ट एड करती है जिससे कि वो बच जाता है क्योंकि गोली उसे छूकर निकली थी। अब इधर कैमिलिया सदमे में थी, वो जानती थी कि जुआन योया को अपने साथ में लेकर गया है और वो उसके साथ में क्या करेगा, इसलिए कैमिलिया योया को बचाना चाहती थी क्योंकि उन सभी लड़कियों के साथ में पिछली रात को जुआन ने बहुत ही बुरा किया था और अब वो यही योया के साथ में भी करने वाला था। पेड्रो पुलिस फोर्स को कॉल करके बुला लेता है लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर पुलिस को आने में बहुत ही टाइम लगेगा। वो उन्हें अपनी बंदूकें देता है और सभी प्लान बनाते हैं कि वो जुआन के ठिकाने में जाकर उसे मार डालेंगे।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जुआन के ठिकाने पर वो अपनी बहन कार्मेन को खाना देता है और उसे कहता है कि कार्मेन फिर से माँ बन पाएगी, जिसके बाद वो उसके पैरों को खोल देता है। अब हम ये भी देखते हैं कि जुआन मारियो को ठीक वैसे ही ट्रेन कर रहा था जैसे कि उसे एजेंट ने किया था, और हम फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि एजेंट और उसकी आर्मी को मारने के लिए कम्युनिस्ट लोकल ग्रुप के लोग वहाँ पर आए थे और वे लोग कई सारे सैनिकों को मार देते हैं और साथ ही साथ एजेंट भी उनकी गोलियों से मर जाता है। वे लोग जुआन को बचाने जाते हैं लेकिन जुआन इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था कि वो उस आदमी को ही मार देता है जो कि जुआन को बचाने आया था। जुआन को एजेंट ने ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि ना तो उसमें इमोशन थे ना ही उसका दिल था। वो फ्लैशबैक में देखता है कि एजेंट एक लेडी को चेयर पर बांध कर उसके ब्रेस्ट से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है और वो उस लेडी के प्राइवेट पार्ट को चूहे से कटवा कर उसकी अंतड़ियां भी बाहर निकाल देता है। फिर एजेंट जुआन से पूछता है कि इस लेडी के साथ में क्या करना चाहिए और जुआन अपनी गन से उस लेडी को मार डालता है। जुआन मारियो को भी ठीक उसी की तरह ट्रेन कर रहा था। इधर पेड्रो चारों लड़कियों को लेकर जुआन के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो चुपके से अंदर जाते हैं और उन्हें गन की आवाज़ें सुनाई देती है जिससे कि जूलिया और एंड्रा एक साथ हो जाती है और कैमिलिया और पेड्रो एक साथ हो जाते हैं। पेड्रो और कैमिलिया एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर कुछ पेपर की कटिंग थी, उसमें लिखा हुआ था कि चिली में आतंकवादी अटैक कर देंगे। उन्हें वहां पर एक लड़की भी बंधी हुई दिखाई देती है जिसका एक पैर पूरी तरीके से सड़ चुका था और उसके पैर की जगह बस उसकी हड्डी बची हुई थी। पेड्रो उससे कहता है कि वो उसके लिए मदद लेकर आएंगे लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा दर्द में थी कि वो उनसे ये कहती है कि वे लोग उसे मार डालें। अब यहाँ पर एंड्रिया और जूलिया मारियो को देखती है जो कि थोड़ा परेशान था, और एंड्रिया जूलिया को कहती है कि वो मारियो के पास में जाकर अपना टॉप उतारे और जैसे ही मारियो उसके पास में आएगा वो उसके ऊपर अटैक कर देगी। जूलिया मारियो के पास में जाती है और उसे अपनी बातों में फंसाती है और अपना टॉप उसके सामने उतार देती है। मारियो भी अपने होश खो देता है लेकिन अचानक एंड्रिया उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वे दोनों देखते हैं कि उस रूम में एक लड़की भी थी जिसे अभी अभी मारियो ने बुरी तरीके से टॉर्चर करके मार डाला है। जूलिया मारियो को मारना चाहती थी लेकिन एंड्रिया का ऐसा कहना था कि वो मारियो को नहीं मारेंगे बल्कि वो मारियो का सौदा योया के बदले में करेंगे जिससे कि जुआन उन्हें योया को सही सलामत वापस कर दें। फिर एंड्रिया और जूलिया मारियो को अच्छे से बांध कर ले जाती है। फिर वो पेड्रो और कैमिलिया के पास में पहुँचती है। हम देखते हैं कि कैमिलिया ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोमा में थी, तो इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया उसे समझाती है कि अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है और उन्हें अपने फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उस कमरे में एक आदमी आता है। जुआन ने उस आदमी के ऊपर बॉम्ब फिट कर रखा था जिससे कि वो आते ही फट जाता है। अब जुआन स्मोक बॉम्ब को वहाँ पर फेंकता है लेकिन तब तक चारों वहाँ से एक दूसरे रूम में पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि ये रूम एक बड़ा सा टॉर्चर चैम्बर था और जुआन इस गैस चैम्बर का दरवाज़ा बाहर से लगा देता है। फिर वो ऊपर से जहरीली गैस के बॉम्ब उस रूम में फेंक देता है। सभी के पास में वहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी जुआन कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो जो कहेगा वो उन्हें करना होगा। जुआन चाहता था कि उसके बेटे मारियो को छोड़ दिया जाए। फिर जुआन एक पाइप से जहरीली गैस उस रूम में छोड़ देता है। पेड्रो उसके ऊपर अपनी गन से अटैक करता है लेकिन जुआन उसे ही शूट कर देता है। फिर सभी लड़कियां जुआन के ऊपर गन से अटैक करती है, बदले में वो भी उनके ऊपर गोलियां चलाता है और एक गोली कैमिलिया के कंधे पर लग जाती है। फिर जुआन एक दूसरा दरवाजा खोलता है और मास्क पहनकर मारियो को लेने के लिए आता है और मौका देखकर सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। पेड्रो उसी रूम में छूट जाता है और जहरीली गैस की वजह से उसके चेहरे की पूरी चमड़ी गल जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। जुआन मारियो को वहां से निकालता है और उसे बाहर लाने के बाद में वो उससे कहता है कि वो एक मर्द की तरह बने और उन लड़कियों को पकड़ कर लेकर आए। मारियो भी उन लड़कियों के पीछे जाता है। सभी लड़कियां फर्स्ट फ्लोर पर भाग रही थी और वहां पर जाकर मारियो पहले कैमिलिया को पकड़ लेता है। जूलिया कैमिलिया को बचाने के लिए जाती है लेकिन मारियो जूलिया को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देता है जिससे कि उसका सर बुरी तरीके से फट जाता है। अब मारियो कैमिलिया को मारने वाला था, वो उसके सर पर वार करने ही वाला था कि तभी एंड्रिया अपनी बहन को बचाने के लिए उसके ऊपर कई वार करती है। पहले वो उसका पैर एक बड़े से पत्थर से तोड़ती है और फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत से पत्थर मारती है जिससे कि वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। कैमिलिया अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया के लिए दुखी थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन एंड्रिया उसे संभालती है और उसे अपने साथ में ले जाती है। अब इधर जब जुआन अपने बेटे मारियो के पास में आता है तो वो उसकी ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था, तो इसलिए जुआन अपने गन से उसका सर उड़ा देता है। एंड्रिया कैमिलिया को लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी लेकिन हम देखते हैं कि जूलिया मरी नहीं थी। उसे जुआन ने पकड़कर उसके चेहरे को कई तारों से टाइट बांध रखा था। जूलिया की आवाज़ सुनकर एंड्रिया और कैमिलिया उसे बचाने के लिए जाती है। वो देखती है कि जुआन जूलिया को एक नेशनल एंथम सुना रहा था
और हमें यह पता चलता है कि जुआन अपने आप को एक सोल्जर मान रहा था। एंड्रिया जुआन के ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन जुआन कहता है कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जूलिया का चेहरा पूरी तरीके से फट जाएगा। तभी एंड्रिया उसे ये बोल देती है कि वो कोई सोल्जर नहीं है। ये बात जुआन को बहुत ही बुरी लगती है और वो तुरंत जूलिया के सर को पूरी तरीके से कुचल देता है, जिससे कि जूलिया के पूरे दांत और उसके अंदर का मांस बाहर आ जाता है। कैमिलिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो जुआन को मारने के लिए जाती है, लेकिन जुआन उसे पकड़ लेता है। और अब जुआन कैमिलिया को मारने वाला था। फिर अपनी बहन को बचाने के लिए एंड्रिया जुआन के ऊपर कई सारी गोली चलाती है, जिससे कि जुआन मर जाता है और कैमिलिया को छोड़ देता है। एंड्रिया फिर अब कैमिलिया को शांत करती है और उससे कहती है कि योया अभी भी जिंदा है और उन्हें योया को बचाना ही होगा। एंड्रिया जब योया को ढूंढने जाती है तो उसे एक कमरे में एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और पास ही में जुआन की बहन कार्मिया भी बैठी हुई थी। एंड्रिया को उसे देखकर दया आ रही थी और कार्मी एंड्रिया को थैंक यू बोलती है। फिर एंड्रिया अब देखती है कि कैमिलिया गायब थी। जब वो उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि कैमिलिया को जुआन ने बुरी तरीके से अटैक करके उसके सीने से उसका दिल ही बाहर निकाल लिया था और अब उसकी बहन कैमिलिया मर चुकी थी। एंड्रिया अपनी बहन की मौत से बहुत ही दुखी थी। तभी जुआन वहां पर आ जाता है और जुआन अभी भी मरा नहीं था। वो एंड्रिया पर अटैक कर देता है। वो पहले तो उसके पैरों पर चाकू से कई वार करता है। एंड्रिया उस पर गोली चलाती है और बचने के लिए जुआन एक पत्थर को अपने आगे ले आता है, जिससे कि गोली का उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर अब एंड्रिया की गन में एक ही गोली बची हुई थी, जिससे कि वो एसिड की बोतल को फोड़ देती है। बोतल का पूरा एसिड जुआन के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि जुआन का पूरा चेहरा जल जाता है और एसिड की कुछ बूंदें एंड्रिया के ऊपर भी आ जाती है, जिससे कि एंड्रिया के चेहरे का भी कुछ पार्ट जल चुका था। इधर जुआन का चेहरा एसिड की वजह से पूरी तरीके से गल चुका था और अब जुआन मारा जाता है। एंड्रिया अपनी बहन कैमिलिया के पास में जाती है। वो अपनी बहन की इस हालत से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो उससे माफी भी मांगती है और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन की बहन कार्मी अपनी माँ की आइडेंटिटी कार्ड पर अपने लॉकेट को रखती है। फिर उसे वहाँ पर योया दिखाई पड़ती है और कार्मी योया को प्यार करती है और उसे अपने साथ में ले जाती है। इधर एंड्रिया अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए जुआन के छोटे से बच्चे के पास में पूछती है। एंड्रिया इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि वो एक छोटे से बच्चे के ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स भी आ गई थी और वो एंड्रिया को ऐसा करने से रोक रही थी। एंड्रिया उस बच्चे के सामने कहती है कि तुम भी उन लोगों जैसे ही बनोगे और ये कहकर वो उस बच्चे को अपनी गन से उड़ा देती है। एंड्रिया का शूट करते ही पूरी पुलिस फोर्स एंड्रिया को अपनी गोलियों से भून डालती है और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कार्मी कई सालों के बाद में कैद से बाहर आई थी। उसने पहली बार सूरज की रोशनी को फील किया था। वो बाहर आकर पेड़ों को छूती है और योया के साथ में बाहर आ जाती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद में मैं अब आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको ये ट्रॉमा कैसा लगा। कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ही डिस्टर्बिंग लगी होगी तो कुछ लोगों के लिए थ्रिलिंग मूवी होगी, लेकिन सच बात तो यह है कि ये मूवी चिली में हुए रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। हमारी इस दुनिया में ऐसे ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक था जुआन, जिसे दरिंदा बना एजेंट ने। और जुआन अपने बेटे मारियो को भी ऐसा ही बनाना चाहता था। जुआन की माँ एक कम्युनिस्ट थी और इसलिए उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन क्या अपने बच्चे से रेप करवाना ठीक था? और शायद वहीं से जुआन का पूरा बचपना खत्म हो गया होगा। तो ट्रोमा किसे हुआ, जुआन को, कार्मी को या फिर एंड्रिया और उसके फ्रेंड को? दोस्तों, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। बचपन में हुए हादसों का इतना बड़ा असर होता है, ये बात अगर सभी लोग जान लें तो फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, मूवी में जुआन के साथ में बचपन में जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस का सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और भी दिल दहला देने वाले वीडियोस। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।